मूर्ख बंदर और राजा। दोस्तों, ये कहानी है एक मूर्ख बंदर और उसके राजा की। 100 मूर्ख दोस्त से एक चालाक दुश्मन अच्छा, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। बहुत पुराने समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास एक पालतू बंदर था। वो बंदर उस राजा का भक्त था और इसलिए ही राजा बंदर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। बंदर को कोई भी काम अच्छी तरह से समझ में नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता तब बंदर उनकी सेवा में हाजिर हो जाता था। बंदर राजा के लिए हाथ पंखा चलाता था। एक दिन राजा हर रोज की तरह सो रहे थे और ये बंदर भी हर रोज की तरह राजा की सेवा में हाजिर हो गया। वो उनके पास बैठकर हाथ पंखा चलाने लगा। तभी एक मक्खी आकर राजा के ऊपर बैठ जाती है। राजा के सेवक उस बंदर ने जैसे ही मक्खी को देखा वो उस मक्खी को पंखे से भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये क्या, मक्खी कभी उड़कर राजा के सिर पर तो कभी उसके कंधे पर तो कभी राजा की छाती पर बैठ जाती थी। वो मूर्ख बंदर काफ़ी देर तक ऐसे ही मक्खी को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब देखकर बंदर को अब गुस्सा आता है और वो अब हाथ पंखे को छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब मक्खी राजा के सिर पर बैठती है तब वो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर बैठ जाता है। बंदर को ऐसे तलवार के साथ देखकर राजा काफ़ी डर जाता है। अब वो मक्खी राजा के सिर से उड़ जाती है। तब वो बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलाता है। थोड़ी देर बाद वो मक्खी फिर से राजा के सिर पर आकर बैठ जाती है। बंदर अभी भी उस मक्खी को उड़ाने के लिए उसके पीछे तलवार लेके घूमता है और इतने में ही बंदर तलवार चलाता है और राजा के बाल कट जाते हैं। वहाँ से उड़कर जब मक्खी राजा की मूंछ पर बैठती है तब बंदर की तलवार से राजा की मूंछ भी कट जाती है। ये सब देखकर राजा बहुत डर जाता है और वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने के लिए कमरे में से बाहर निकल जाता है और बंदर तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी मूर्ख को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए और उसे कोई ऐसा जिम्मेदारी वाला काम भी नहीं देना चाहिए कि जिससे बाद में हमें ही पछताना पड़े और वो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर दे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।